सो माई डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। गाइज, हम लोग जेई मेन्स 2020 का सितंबर अटेम्प्ट का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एरिया अंडर द कर्व्स एंड पैराबोला का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में हम लोग पढ़ रहे हैं। एंड माई डियर फ्रेंड्स, जो भी हमारे फ्रेंड्स या साथी इस चैनल पे न्यू है, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो क्वेश्चन आपके सामने है, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल ए बी सी डी हुज वर्टिसेस ए एंड बी लाई ऑन द एक्स एक्सिस एंड वर्टिसेस सी एंड डी लाई ऑन द पैराबोला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बिलो द एक्स एक्सिस इज। यानी सबसे पहले आपके पास एक पैराबोला है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो इस पैराबोला में आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसके दो वर्टिसेस ए एंड बी एक्स एक्सिस पे लाई करें और जो सी एंड डी है वो बिलो एक्स एक्सिस लाई करें लेकिन पैराबोला में लाई करें, ठीक है। तो सबसे पहले ये पैराबोला को ड्रॉ कर लीजिए। ये पैराबोला आपके पास में हो गया वाई प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स का वैल्यू जीरो, वाई का वैल्यू क्या है माइनस वन, और ये पैराबोला अपवर्ड ओपन पैराबोला है। कैसा पैराबोला है? अपवर्ड ओपन पैराबोला है। तो अगर इस पैराबोला को हम लोग ड्रॉ करेंगे एक्स और वाई, तो दिस पैराबोला विल बी अपवर्ड ओपन पैराबोला। इस तरह का पैराबोला आपको बनेगा, ठीक है। तो ये पैराबोला है, इसका ये वाला वर्टेक्स जीरो कमा माइनस वन। अब इस पैराबोला का जो दो वर्टेक्स है, ठीक है, आपके पास में ए और बी लाई कर रहा है एक्स एक्सिस में, ए और बी एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, और सी और डी हमारे पास में जो है सी और डी पैराबोला में लाई कर रहा है, यानी इस तरह से पैराबोला में लाई करेगा सी और डी बिलो एक्स एक्सिस। सी और डी ऊपर में भी लाई कर सकता है, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिलो एक्स एक्सिस लाई कर रहा है, ठीक है। इस तरह से एक रेक्टेंगल बन जाएगा, आप देखो इस तरह से एक रेक्टेंगल बनेगा, है ना। तो ये रेक्टेंगल हमारे पास में, और ये जो रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसका एरिया को क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका एरिया को हमें लार्जेस्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे है तो अल्फा कॉमा जीरो, और ए पॉइंट जितना दूरी पे होगा बी पॉइंट भी उतना ही दूरी पे होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है तो सिमेट्री इसमें रोल प्ले करेगा। तो बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस अल्फा कॉमा जीरो। अच्छा, ये जो पॉइंट है सी और डी, ये पैराबोला में लाई करेगा। तो पैराबोला में अगर एक्स का वैल्यू अल्फा पुट करोगे, एक्स का वैल्यू अल्फा पुट करोगे, तो वाई का वैल्यू आपके पास में हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस वन, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर माइनस वन। अब ध्यान से देखिए, इस रेक्टेंगल में ए बी का जो लेंथ होगा, ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा टू अल्फा, ठीक है, और ये जो सी डी होगा कितना हो जाएगा टू अल्फा, और ये जो ए डी है, ए डी इसका लेंथ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस वन, अल्फा स्क्वायर माइनस वन। अब ध्यान से देखो, यहां पर मैं अगर आप एरिया लिखोगे, एरिया फंक्शन ए इक्वल टू, तो एरिया फंक्शन के लिए कितना लिखोगे आप, लिखोगे ए बी इंटू ए डी, यानी एरिया जो ए फंक्शन होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं आप एरिया फंक्शन, यानी आप ये जो एरिया फंक्शन है, ठीक है, आप उसको ए मान लो, तो एरिया ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पर मैं ए बी का वैल्यू हो जाएगा टू अल्फा एंड ए डी का वैल्यू अल्फा स्क्वायर माइनस वन। तो अगर आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, तो डी ए बाई डी अल्फा आप करोगे तो टू अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर थ्री अल्फा, टू अल्फा क्यूब सिक्स अल्फा स्क्वायर, और माइनस टू अल्फा का माइनस टू। तो जब इसको टू को बाहर निकालोगे तो थ्री अल्फा स्क्वायर माइनस वन, और मैक्सिमा और मिनिमा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा कितना कर देंगे, डी ए बाई डी अल्फा इक्वल टू जीरो।
तो डी ए बाई डी अल्फा इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू एक बार आएगा प्लस वन बाय रूट थ्री और माइनस वन बाय रूट थ्री। अल्फा का वैल्यू प्लस वन बाय रूट थ्री और अल्फा का वैल्यू माइनस वन बाय रूट थ्री। तो यहाँ पर मैं दोनों फंक्शन सेम ही है, ठीक है, अल्फा का वैल्यू सेम है तो किसी को भी पुट करोगे वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पर मैं अगर आप डबल डिफरेंशिएशन भी चेक करोगे, ठीक है, d2a डिवाइड बाई डी अल्फा स्क्वायर करोगे, d2a डिवाइड बाई डी अल्फा स्क्वायर तो 6 इंटा स्क्वायर यानी 12 अल्फा, ठीक है, 12 अल्फा। और आपको क्या करना है, मैक्सिमम एरिया निकालना है, लार्जेस्ट एरिया। तो लार्जेस्ट के लिए डबल डेरिवेटिव क्या होगा, निगेटिव, यानी फॉर मैक्सिमम एरिया d2a बाई डी अल्फा स्क्वायर, d2a बाई डी अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा आपको नेगेटिव। और नेगेटिव कौन से पॉइंट पर होगा, अल्फा इक्वल टू माइनस वन बाय रूट थ्री, अल्फा इक्वल टू माइनस वन बाय रूट थ्री। तो आप माइनस वन बाय रूट थ्री यहाँ पुट कर दीजिए तो आपके पास में जो एरिया का वैल्यू हो जाएगा, मैक्सिमम एरिया टू इंटू माइनस वन बाय रूट थ्री और वन बाय रूट थ्री का होल स्क्वायर यानी वन बाय थ्री माइनस वन, यानी यहाँ पर माइनस टू बाय रूट थ्री एंड माइनस टू बाई थ्री, यानी माइनस टू बाय रूट थ्री माइनस टू बाई थ्री, यानी फोर डिवाइड बाय थ्री रूट थ्री, फोर डिवाइड बाय थ्री रूट थ्री। तो आपके पास में आप देखो जो ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका फोर डिवाइड बाई थ्री रूट थ्री विल बी द लार्जेस्ट एरिया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं सिमेट्री ऑफ फंक्शन में, ये जो ग्राफ है या जो रेक्टेंगल है सिमेट्री है, तो आप अल्फा का वैल्यू प्लस वन बाई रूट थ्री भी लोगे या माइनस वन बाई रूट थ्री भी लोगे, जो एरिया का मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी फोर बाई थ्री रूट थ्री। तो यहाँ पर मैं इतना वर्क करने का जरूरत भी नहीं था, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो यहाँ पर मैं आपको डबल डेरिवेटिव निकालने का जरूरत नहीं था, दोनों सेम वैल्यू है, खाली माइनस साइन, सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है। तो माइनस साइन का डिफरेंस है, एरिया का मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एरिया का आंसर हो जाएगा 4 बाई थ्री रूट थ्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन ए, 4 बाई थ्री रूट थ्री। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग जेईई मेंस एडवांस के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को इस चैनल पर डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप ये सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना एंड ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।